देश भर की कोर्ट्स में लाखों केसेस पेंडिंग हैं। सिर्फ हाई कोर्ट में ही 40 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। ये आंकड़े हाल ही में लोकसभा में जारी किए गए हैं। देश के अलग अलग कोर्ट्स में कानून व्यवस्था का अंदाजा यहाँ पेंडिंग केसेस के आंकड़े को देखकर लगाया जा सकता है। भारत के कोर्ट्स में एक बड़ी मात्रा में केसेस पेंडिंग हैं। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश की अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग केसेस के आंकड़े पेश किए। NJDG यानी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के इन आंकड़ों के अनुसार डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स में कुल 3,10,67,000 केसेस पेंडिंग हैं। इनमें से 88,04,000 सिविल केसेस और 2,22,62,000 क्रिमिनल केसेस हैं। इनमें से 76,315 केसेस लगभग 30 साल या इससे भी ज्यादा समय से पेंडिंग हैं। इसके बाद एक नजर डालते हैं हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस पर। हाई कोर्ट में कुल 43,05,000 केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें से 18,73,000 सिविल केसेस, 12,12,000 क्रिमिनल केसेस और 12,64,000 रिट केसेस पेंडिंग हैं। देश में जजों की संख्या जरूरत से काफी कम है और इनकी कमी इन पेंडिंग केसेस का एक बड़ा कारण है। साधिका तिवारी, गो न्यूज।